हिमाचल प्रदेश में अब अपनी मांगों को लेकर मजदूरों कामगारों को धरना प्रदर्शन नारेबाजी और चक्का जाम नहीं करना होगा। अब उनके हक के लिए केंद्र से मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीधे सरकार से बातचीत करेगा। संगठन ने श्रमिकों की परेशानियों का खाका बनाने के साथ पदाधिकारियों की भर्ती भी शुरू कर दी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार ने शुक्रवार को मंडी में यह जानकारी दी। हमारा मंच भारत वर्ष में पिछले कई सालों से बाहर सब जगह कार्य कर रहा है। ये सबसे बड़ा जो है संगठन है इस टाइम, और ये नॉन पॉलिटिकली संगठन है, इस किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ना किसी के पार्टी के विरोध में है, ना किसी पार्टी के समर्थन में है। हमारा अपना और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है उससे हम जो हैं वो एफिलेटेड है, और कहीं भी कोई कमेटी इस क्षेत्र की बनाई जाती है उसमें हमारे प्रतिनिधि रहते हैं। चाहे तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो लोग हैं, या हाँ आजकल ये 4 लेन का कार्य चला हुआ है हिमाचल में बहुत ज़्यादा, और इसमें जो प्राइवेट कंपनियाँ कार्य कर रही हैं, जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनकी तो हालत फिर भी ठीक है, लेकिन आगे सबलेटिंग जो करी हुई है, जो श्रमिक हैं उनके उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है वो हमारे ध्यान में है। हम उसके लिए भी कंपनी के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, सरकारी, क्योंकि सरकारी हमें सरकार से एफिलेटेड हैं, सरकार के साथ हम संघर्ष या हड़ताल स्ट्राइक में विश्वास नहीं रखता है हमारा संगठन। हम वार्ता से जो है हर मुद्दे को सुलझाने में विश्वास रखते हैं, और विशेष तौर पे हिमाचल में जो है आपके जो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा वर्कर हैं जो सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, हमारे जो असरकारी जो सरकारी क्षेत्र में नहीं है श्रमिक हैं उनकी दिहाड़ियाँ, कहीं कोई कुछ देता है, कोई कुछ कहीं चला हुआ है, और जो ये दो मैंने आपको बताया आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनके साथ जो वेतनमान में जो अन्याय है हम उसको भी उचित मंच में उठाएंगे, उचित मंच में बात करेंगे, और उनसे उनका सहयोग लेके उनको साथ लेके उनके लिए भी जो है हम कोशिश करेंगे। और यही मेरा जो है मेरी कार्यकारिणी का हमारा जो बनेंगे अब कमेटी, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हिमाचल में किसी भी सरकारी या असरकारी कर्मचारी श्रमिक अधिकारी किसी वर्ग किसी के साथ भी कोई भी अन्याय की सिर उचाए, वो मानदेय की बात हो, वो उनको दी जाने वाली सुविधाएं हो, उसमें उनके साथ कोई अन्याय ना हो, वो हमारा जो है